के लिए हमारे साथ भावना सिसोदिया जुड़ गई है, हमारी सहयोगी, उनसे जानकारी लेते हैं। भावना, राजकुमार आनंद ने एकाएक इस्तीफा दे दिया और उनका कहना है कि पार्टी में दलितों को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, ये अचानक से कैसे? जी मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने अभी कुछ समय पहले, मतलब लगभग 5 से 10 मिनट पहले जो है आम आदमी पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस पद पर वो हैं एससी एसटी का यहाँ पे कोई सम्मान नहीं है, और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से आम आदमी पहले राजकुमार आनंद ने इस कारण से जो है अपने पद से और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और साफ तौर ये भी कहा कि इस्तीफा देने के बाद वो काफी हल्का महसूस कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2022 में राजकुमार आनंद को मंत्री बनाया गया था और 2023 में जो है राजकुमार आनंद के यहाँ पर ईडी का छापा पड़ा। वहीं जिस तरीके से कल हाईकोर्ट का फैसला आया वह भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि उसको मद्देनजर रखते हुए राजकुमार आनंद ने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया है। फिलहाल जो राजकुमार आनंद है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर भी आया है कि भ्रष्टाचार पर पार्टी की जो नीतियां हैं वे उससे भी सहमत नहीं है, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि पार्टी नेता हो, विधायक हो, पार्षद हो, किसी का भी कोई सम्मान नहीं है। तो कई बड़े आरोपों के साथ जो है राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी का जो दामन थामा था 2022। अच्छा भावना, ये बात सर समझाइए, एकाएक क्या इस तरह से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया? इससे पहले भी कुछ राजनीतिक हलकों में इस तरह की खबरें थी, कुछ अनुमान थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अनुमान होता है, इस तरह की खबरें पहले आती हैं, कयास लगाए जाते हैं, आपस में तनातनी देखने को मिलती है, नोकझोंक होती है, असहमति होती है, कुछ तो ऐसा होता है। जी मैं आपको बता दूं कि ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी हलचल अब तक नहीं देखी गई थी। महज एक घंटे पहले भी राजकुमार आनंद ने संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जो है ट्वीट करा है, तो किसी भी तरीके से कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती राजकुमार आनंद मंत्री पद से जो है इस्तीफा दे सकते हैं। अचानक ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर मंत्री नेता विधायक को मारने और भ्रष्टाचार पार्टियों की नीति है उनसे भी वे सहमत नहीं है। और जैसे कि भावना आपने कुछ देर पहले जिक्र भी किया था कि ईडी की छापेमारी भी राजकुमार आनंद की यहाँ हुई थी, तो क्या कुछ इस तरह की भी खबरें मिल पाई हैं कि राजकुमार आनंद अब दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? जी देखिए, अभी तो साफ तौर पर राजकुमार आनंद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहते हुए नजर आए हैं कि वे कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़ा मुश्किल होगा कि राजकुमार आनंद दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन तरीके से हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद राजकुमार आनंद ने अपने माइंड को चेंज करा और एकदम से मंत्री पद से और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लेकर अगर सही खड़े करता है कि राजकुमार आनंद ने अचानक मंत्री पद से और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भावना आपसे समझना चाहेंगे, अचानक से राजकुमार, देखिए दिल्ली में इस वक्त सियासत का एक अलग ही रुख है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, अरविंद केजरीवाल अदालत का दरवाजा भी खटखटा रहे राहत के लिए, और इस बीच एकाएक राजकुमार आनंद जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे वो इस्तीफा देते हैं, तो ये किस तरह से किस तरफ इशारा कर रहा है ये जो भी घटनाक्रम हुआ है अभी? जी देखिए, इस तरीके से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है, ईडी की छापेमारी उनके यहाँ पर 2022 में राजकुमार आनंद ने मंत्री केजरीवाल के जेल में जाने के कहीं जो है राजकुमार आनंद से जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईडी का खौफ जो भाजपा ऑपरेशन लोटस प्रयास कर रही है वो कहीं ना कहीं सफल ना होता हुआ नजर आए, लेकिन आगे की क्या स्थिति बनती है अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ राजकुमार आनंद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अपनी पार्टी चले हैं, लेकिन महज एक घंटे पहले संजय को लेकर तुम करा और उसके कुछ समय बाद इस तरीके से इस्तीफा दे देना कई सवाल खड़ा करता है। आगे की क्या स्ट्रैटेजी राजकुमार आनंद, क्या वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या उसके माध्यम से उन्होंने अहम वजह बताई है वही वजह है क्या है ये तो अभी कहना मुश्किल ही होगा। लेकिन भावना, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि कुछ देर पहले आनंद ने है जो एक पोस्ट भी किया था, तो पोस्ट के बाद क्या कोई हलचल देखने को मिली पार्टी में, क्या कोई प्रतिक्रिया का दौर? जी, इस तरीके के किसी भी
भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई कि सब चलता है वैसे ही सब चल रहा है। राजकुमार आनंद ने कुछ लोगों के सामने जो कॉन्फ्रेंस करी है आम आदमी काम बड़े आरोप लगाए हैं और से जो है इस्तीफा दे दिया। चलिए भावना आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। तो दिल्ली में राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, ईडी की छापेमारी हुई थी उनके घर पर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इस्तीफा दिया।